170 पॉइंट से ज्यादा लुका है, जबकि निफ्टी की बात करें 10,600 के नीचे जाके ये फिसल गया है। तो मिड कैप इंडेक्स करीब 2% आज टूटा है। वहीं कल बाजार के लिए कौन सी बातें अहम रहेंगी और ट्रिगर्स के लिहाज से बाजार कहां तक जाएगा, प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारी सहयोगी हर्षिता सावंत भी हैं जो कि आज के बाजार का हाल बताएंगी। तो हर्षिता आपके पास ही आएंगे, सबसे पहले हाइलाइट्स बताइए, कहां कहां किन किन सेक्टर्स में हमने आज मारकाट देखी। देखिए आज क्योंकि चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है तो इंडेक्स लूजर्स के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर आज टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स भले ही रुपए की चाल कमजोर रही हो और आईटी के लिए फायदे का सौदा रहता है, टेक महिंद्रा लहूलुहान था, 7% तक का नुकसान। टाइटन जैसे दिग्गज में हमने देखा 4% की गिरावट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स सब में सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के ही सौदे देखे गए। वहीं कच्चे तेल का मार पड़ी है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, एचपी बीपी आईओसी तीनों में कल गिरावट थी, आज फिर ये काउंटर्स टूटे, 5-4% का नुकसान देखने को मिला और ATF के भी दाम बढ़ेंगे। तो इंटरग्लोब एविएशन में शॉर्ट की पोजीशंस 4% तक की बनी और 6% टूटा है जेट एयरवेज का काउंटर। बैंकों पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी सिर्फ बिकवाली ही देखने को मिली है, पंजाब नेशनल बैंक 5% नीचे, फेडरल, DCB, ICICI बैंक, निजी बैंकों में भी आज हमने देखा वो गिरावट का सिलसिला जारी था, किसी तरह का रिस्पाइट नहीं मिला है। कल से अतिरिक्त मार्जिन लगेगा, 19 शेयरों की एक फहरिस्त सेबी ने सामने रखी है और उसी का असर देखा गया जैन इरिगेशन, IRB, IDFC बैंक, कर्नाटका बैंक जैसे शेयरों में, जहां पर आज फिर दबाव था, 4-4.5% तक की गिरावट इन काउंटर्स में दर्ज हुई है उस अतिरिक्त मार्जिन के डर से। मिड कैप के दूसरे लूजर्स पर आइए, यहां पर अवंती फीड टूटा है, करीब 7% का नुकसान। चोला मंडलम जैसे अच्छी क्वालिटी के NBFCs पर दबाव देखा गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी टूटा और डेल्टा कॉप जैसे हाई बीटा स्टॉक्स में भी आज हमने देखा बिकवाली का दबाव। देखिए जून सीरीज की शुरुआत इतनी खराब नहीं थी, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था, लेकिन पिछले दो दिन क्योंकि रुपए और कच्चे तेल ने मूड बिगाड़ा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव साबित हुआ है इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। हर्षदा, लेकिन अब बाजार में कल नई सीरीज की शुरुआत भी होगी, ऐसे में प्रदीप आज का वोलेटाइल सेशन जो हमने देखा है बाजार में, कल अब किस तरह कारोबार की उम्मीद कर सकते हैं? तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही कमजोरी के संकेत हमें मिले हैं, उसी पर हमारी नजर होनी चाहिए और खासतौर पर आज अमेरिका में GDP के आंकड़े आने वाले हैं, उन पर खास फोकस रहेगा। अगर वहां पे GDP के आंकड़े काफ़ी अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि उसके बावजूद भी हमारे लिए नेगेटिव हो, अगर डॉलर मजबूत होता है और उसके चलते अगर हम रुपए में और गिरावट आते हुए देखते हैं तो। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड अगर तेज़ी से बढ़े तो वो उस पर भी आपको नज़र रखनी होगी ये समझने के लिए कि हमारे ऊपर नेट इम्पैक्ट क्या हुआ। लेकिन इसके अलावा और जिन खबरों पर स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए उनमें वायदा कारोबार पे जो 19 और शेयरों पे एडिशनल मार्जिन की बात कही गई थी वो कल से लागू हो जाएगी, हालांकि बाजार ने आज उसको डिस्काउंट किया, लेकिन कल से ये इफेक्टिवली मार्जिन आपको पे करनी होगी और उसके बाद कई सारे शेयर पे, बल्कि सारे के सारे पूरे के पूरे FNO स्पेस पे एक्सपोजर मार्जिन बढ़ने वाली है नई सीरीज़ में, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको कुछ देखने को मिल सकता है। तो जो मार्जिन का दबाव बाज़ार में दिखाई दे रहा है कल के लिए भी उस पर नज़र रहेगी कि वो मार्जिन प्रेशर पूरी तरह निकल गया, सारे कुछ सेटलमेंट हो गए या नहीं हो गए। इसके अलावा जिन स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए उनमें खासतौर पर तलवलकर लाइफस्टाइल, ये शेयर लिस्ट होगा जो तलवलकर फिटनेस से अलग हुआ था, और ध्यान रखिएगा ये वो असल स्टॉक है जिसमें कारोबार है जिम वाला, पहला जो कारोबार था उसमें कुछ एक दूसरे छोटे कारोबार और ब्रांड्स थे, तो ये लंबे इंतज़ार के बाद लिस्टिंग होने वाली है और इस पर खास तौर पे आपकी नज़र रहेगी। इसके अलावा PVR, आईनॉक्स और मल्टीप्लेक्स कंपनीज पर नज़र रहेगी, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद संजू फाइनली रिलीज होने वाली है, तो ये सेगमेंट कल शुक्रवार के दिन काफ़ी हद तक सभी के नज़र में रहेगा। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। लेकिन चलिए अब बाजार में किस तरह के कारोबार में आपको किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, इक्विटी और कमोडिटी बाजार की भी चाल किस ओर जा रही है, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, आनंद राठी के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सिद्धानी, और साथ ही कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आप दोनों का ही। तो सिद्धार्थ, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगी, जिस तरह से बाजार में आज हमने तेज़ गिरावट देखी है और
और 10,600 एक ऐसा अहम लेवल था जिसके नीचे हम सोच रहे थे बाजार ना जाए तो बेहतर है, लेकिन अब उसके नीचे क्लोजिंग दी है, एक अहम लेवल तोड़ा है बाजार ने। नई सीरीज की शुरुआत जब जो होगी, ये बताएं कि बाजार के लिए आपके मुताबिक अब लेवल्स क्या होंगे? नमस्कार। देखिए, लेवल्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट अभी तक अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से कच्चे तेल, गिरता रुपया, यूएस ट्रेड वॉर, ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है भारतीय बाजार को। हमको लगता है कि साथ ही साथ रेगुलेटर के द्वारा बहुत कुछ नए कानून आए जिस कारण से कुछ एक स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली देखने मिल रही है। ये सब होने के बावजूद मैं एक चीज़ सोचना चाहूँगा कि यहाँ से क्या और डाउनसाइड है? तो हो सकता है कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउनसाइड रहे, बट मैं मानता हूं कि प्राइस करेक्शन के हिसाब से बहुत हद तक ये हो चुका है। कल से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, हमें लगता है कि एक बेहतरी रिवाइवल के तरफ हम जा रहे हैं। जुलाई महीना मैं मानता हूं कि एक अच्छा रिकवरी और रिवाइवल का महीना हो सकता है। राइट स्टॉक अगर पकड़ लेंगे तो आपको अच्छी कमाई हो सकती है। हिस्टोरिकली इस महीने की सीरीज की खासियत क्या है, कुछ आप बता पाएंगे? देखिए, हिस्टोरिकली जुलाई के महीने में और जून के महीने में, जून का जो लो होता है उसके मुकाबले जुलाई में 7 से 23% का उछाल देखने मिला है पिछले 12 सालों में। 2006 में जून के लो से जुलाई के टॉप में 23% का उछाल देखने मिला था, और अगर 2017 की बात करूं तो 7% का उछाल देखने मिला था। सारे ही 12 साल में हमने देखा है कि ये उछाल जरूर मिला है। जुलाई का सीरीज हम मानते हैं कि थोड़ा बेहतर हो सकता है मुकाबले में, जून के मुकाबले में। ऑलराइट, और भी कई सारे अहम चीज़ें हैं जिन पर आपसे बात करनी है, लेकिन अनुज, कच्चा तेल और रुपया, ये दोनों बाजार को परेशान कर रहे हैं। कच्चे तेल की बात करती हूँ, जहाँ पर यूएस सैंक्शंस के चलते ईरानियन क्रूड एक्सपोर्ट में कटौती हो सकती है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के चलते भी हम कीमतों में तेज़ी तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब आप बताएं कि ये तेज़ी कितनी आगे बढ़ेगी, या आपको लगता है कि अब कीमतें यहाँ से नीचे आनी शुरू हो जाएंगी? चलिए, अनुज की आवाज़ क्लियर नहीं है, इनसे हम फिर से कोशिश करेंगे कि जुड़ जाए, लेकिन आपके पास मैं आना चाहूँगी सिद्धार्थ। रुपए की चाल को अगर आप एनालाइज करें हमारे लिए, तो 69 का लेवल तो हमने ब्रीच कर लिया है, लेकिन अब इसके आगे आपका विश्लेषण रुपए की चाल को लेकर क्या कहता है? देखिए, जिस हिसाब से टैरिफ और चल रहा है, रुपए में और भी गिरावट हो सकती है। हालांकि मैं रुपए का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, बट ओवरऑल तरीके से जो देखते हैं, आरबीआई के पास जिस हिसाब से फॉरेक्स रिजर्व है $425 बिलियन का, मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, इसको कर्व जरूर करना चाहिए आरबीआई। ऑलराइट, लेकिन चलिए, यहाँ पर रुपए ने आज सारी हदें पार कर ली है और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पे गिर गया है। एक डॉलर की कीमत 69 रुपए के ऊपर का स्तर यहाँ पर छू चुकी है, और इस साल रुपए में 7% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, और पूरे एशिया में रुपए का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ है अगर हम करेंसीज की बात करें। लेकिन विस्तार से रुपए की गिरावट पे बात करते हैं, सहयोगी प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, रुपए की गिरावट का विश्लेषण जो आपने किया है, इसे बताएं कि क्या अहम बातें निकल कर आ रही हैं? रुपए में गिरावट के पीछे सबसे अहम कारण यह है कि हमारा इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, क्रूड में तेजी बनी हुई है, और ओपेक की मीटिंग में फैसला हुआ कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन उसका फायदा नहीं दिखा, तो किसी भी ट्रेडर के लिए रुपए को शॉर्ट जाने का ये एक अच्छा खासा मौका है। दूसरी तरफ, जो अभी तक डॉलर की सप्लाई हो रही थी, इस साल 2018 में ऐसे भी वो डॉलर की सप्लाई कम हो गई है, और हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट में बिकवाली लगातार जारी है, और अब इक्विटी मार्केट में भी FIIs की बिकवाली तेज़ी से हो रही है, तो इसका असर जाहिर तौर पे पड़ रहा है, डॉलर की कमी है, और इस वजह से डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए के दाम घट रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप रुपए को देखें स्टैंड अलोन, इसकी जगह आप दूसरी करेंसीज के मुकाबले में देख सकते हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है तमाम दूसरी करेंसीज के मुकाबले। 95.5 के लेवल डॉलर इंडेक्स में दिखाई दिए। एशिया में खासतौर पे चीन की करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कम्पिटिटिव प्रेशर भी है। अगर हमारी करेंसी कमज़ोर नहीं होती तो शायद हमारे एक्सपोर्ट जो ऐसे ही नहीं बढ़ रहे थे, उन पे और दबाव देखने को मिलेगा। तो एक वजह हो सकती है कि शायद RBI भी पूरी ताकत से डिफेंड नहीं कर रहा। हालांकि देखिए, 2 हफ्ते पहले जब हम 68 के ऊपर निकले थे तो RBI ने पूरी ताकत से डिफेंड किया, रुपए को वापस से सहारा दिया, लेकिन हम फिर से घूमकर वहीं पहुंच गए और अब आज 69 के भी नीचे निकल गए। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ मिलाकर देखें तो लगता यही है कि
फिलहाल ट्रेंड रुपए के खिलाफ है, डॉलर के फेवर में है। डॉलर यहाँ से कुछ और मजबूत होगा और इसके लिहाज से अगर 69 के लेवल डिसाइसिवली टूट गए तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको 71-72 के लेवल कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में देखने को मिले तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। फॉरेक्स मार्केट के एक्सपर्ट का तो यही मानना है। शुक्रिया प्रदीप, लेकिन आपने कहा कि 71-72 के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो ऐसे में आशीष ये बताएं कि जो भारी कमजोरी, आशीष वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि किन शेयरों पे असर दिखा है। आशीष भाई बताएं कि इतनी भारी कमजोरी जो हम देख रहे हैं, कितने किन तरह के शेयरों के लिए ये बुरी बात है और कितनों पर हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखेंगे? जी हाँ, तगड़ा प्रेशर अब तक के सबसे निचले स्तर रुपए पे आपको नजर आएंगे। 69 के लेवल्स आज ब्रीच करता हुआ नजर आया था और इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था इस साल 2018 में ऑलमोस्ट 8% के आसपास तक का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुका। और क्यों? लार्जली क्योंकि एफआईएस का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है और साथ साथ जो कच्चे तेल में उबाल है वो भी मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, ये पूरे मार्केट के लिए तो ऑब्वियसली निगेटिव है, आप लोग स्क्रीन पे बाखूबी देख भी सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ पॉकेट्स, कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स के लिए तो डायरेक्टली दिक्कत वाली बात। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो रिफाइनरीज का, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HPCL, BPCL, IOC, ये कंपनीज लार्जली कच्चे तेल को इंपोर्ट करती हैं। तो जहां पहले $1 का माल ₹65 में मिल जाता था, अब $1 के माल के लिए इनको ₹69 खर्च करने पड़ेंगे, तो सीधी दिक्कत। तो पंप प्राइसेस के जरिए कितना पास ऑन कर पाएंगे उस पर डिपेंडेंट होगा इनके आगे का आउटलुक, लेकिन इस समय बड़ा सेंटिमेंट निगेटिव। जो कंपनीज इंपोर्ट ओरिएंटेड है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है उनपे, और उसमें भी खासतौर पर कैपिटल गुड्स जैसे कि CG पावर, BHEL, क्योंकि ये काफी सारे माल को इंपोर्ट करती हैं तो ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और अगर इनके जो क्लाइंट्स के साथ क्लॉज है उसमें पास ऑन का नहीं दिया हो, कॉस्ट एस्केलेशन का क्लॉज ना हो, तो इनके लिए दिक्कत की बात होगी। लाइकवाइज ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जैसे कि वर्लपूल माल बाहर से लाती है, भारत में बेचती है, इनके लिए भी दिक्कत वाली बात जो रुपये में कमजोरी देखने को मिल रही है। साथ साथ हैवल्स, एशियन पेंट्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज को भी अपने रडार पर रखें, क्योंकि इससे पहले जब रुपया कभी भी कमजोर हुआ है इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ानी पड़ी थी क्योंकि इनकी भी लागत बढ़ती हुई नजर आई थी। इंटरेस्टिंगली एक और ऐसी स्पेस है जहां पे इन कंपनियों पे बुक्स पे कर्ज है और उसमें भी खासतौर पर फॉरेन डेट है। अब इन कंपनीज को ध्यान रखें अपना असल, उसके साथ साथ ब्याज समय समय पर भुगतान करना पड़ता है, और इस समय जब रुपया कमजोर है तो इनके लिए रुपए के टर्म्स में भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे भारतीय एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनीज, इनके लिए दिक्कत की बात। पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए खराब ही खराब है, कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जिनके लिए अच्छी खबर, और उसमें खास तौर पे हम लोग हमेशा हाईलाइट करते रहते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे कि IT सेक्टर, इंफोसिस, TCS, HCL टेक जैसी कंपनीज, जैसे कि फार्मास्यूटिकल स्पेस जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसी कंपनीज, क्योंकि एक्सपोर्ट करती हैं, US से ज्यादा कमाई करती हैं, तो रुपया कमजोर हुआ तो इसका मतलब है कि ये लोग जो कमा के लाते हैं रुपए में ज्यादा दिखता है, इनके लिए फायदे वाली बात। एग्री एक्सपोर्ट्स, केमिकल कंपनीज के लिए अच्छी बात। और एक और पॉकेट है जिनके रेवेन्यूज में बड़ा ज्यादा डॉलर एक्सपोजर हो, मिसाल के तौर पर गुजरात पीपावाव, दीपक नाइट्राइट, वेल्सपन, अवंती फीड्स। गुजरात पीपावाव की कुल रेवेन्यूज का 75% डॉलर से आता है, तो इनको आसान शब्दों में फायदा मिलता है। तो कुछ कंपनियों का फायदा, कुछ कंपनियों का नुकसान, लेकिन मोटा मोटी बाजार के लिहाज से तो बुरी खबर। तमाम डिटेल्स के लिए आशीष और सिद्धार्थ, क्योंकि यहाँ पर आशीष ने गिनाए हैं वो नाम जहाँ पर हम इम्पैक्ट देखेंगे रुपए का, ये बताएं कि आपके रडार पे कौन कौन सी कंपनीज है और क्या कोई रणनीति इनिशिएट करने का समय है? सबसे पहले अगर मैं OMCs की बात करूँ और BHEL, वर्लपूल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे सेक्टर की कंपनी। देखिए, OMCs को तो हम अभी अवॉइड करेंगे, हम मानते हैं कि कंजम्पशन बेस्ड कंपनियों को पे आप ज़्यादा दाव लगा सकते हैं। अभी रुपए की कमजोरी साथ ही साथ मेटल्स में भी थोड़ी बहुत कमजोरी देखने मिली है, तो हमें लगता है कि कुछ एक कंजम्पशन कंपनीज आप देख सकते हैं जहाँ पे दाव लगा सकते हैं। आप नाम देना चाहेंगे? वोल्टाज, AC बनाने में अव्वल नंबर की कंपनी, 24% का मार्केट शेयर, और टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाने वाली है। साथ ही साथ वोल्टास की जो खबर है कि वो दूसरे सब वाइट गुड मार्केट में भी आने वाली है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, TV और दूसरे वाइट गुड प्रोडक्ट्स, हम मानते हैं कि वोल्टास कंजम्पशन स्पेस का उमदा स्टॉक हो सकता है। और राइट, लेकिन IT सेक्टर और फार्मा पर आपको कितना लगता है कि हमें प्ले करना चाहिए रुपए की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए?
नहीं बिल्कुल, हम मानते हैं कि आईटी और फार्मा दोनों ही स्पेस में काफ़ी अच्छा रुझान रह सकता है। टीसीएस की जैसे हम जानते हैं कि एक बायबैक की खबर है, तो उस पर भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में। और फार्मा में जिस हिसाब से हलोल सेल फार्मा के फैसिलिटीज क्लियर हो रहे हैं, दूसरी सब कंपनियों के भी क्लियर हो रहे हैं, हम मानते हैं कि फार्मा और आईटी गिरता रुपये के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म दे सकती है 2018 में। टॉपिक्स आपके इस क्षेत्र में? हमारा टॉपिक रहेगा कैडिला हेल्थकेयर। और राइट, चलिए रुक करते हैं कमोडिटीज की ओर। अनुज गुप्ता हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुज, जैसे कि हम कच्चे तेल की चाल को देख रहे हैं, ये बताएं जो यूएस सैंक्शंस लगा रहा है ईरान के सप्लाई पर, अब उसका कितना इम्पैक्ट और बचा है कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने के लिए, और साथ ही जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं, हालांकि वो टेम्प्रेरी इशू है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे और जंप आएगा कीमतों में? कविता जी बिल्कुल, जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ईरान पर सैंक्शन लगाने के और साथ में जो इन्वेंट्रीज ड्रॉडाउन हुई हैं, मुझे लगता है कि उसका असर क्रूड पर देखने को मिलेगा। हालांकि हम देखें तो क्रूड अभी करीबन $72.50 का राउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि तेजी का जो सेंटीमेंट है वो आगे भी कायम रह सकता है। तो कहीं ना कहीं और एक जियो पॉलिटिकल टेंशन भी आती हुई दिखाई दी है, मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि $73-$75 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, और M6 में एक्सपेक्टेड है कि 5,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे रणनीति आपको बता दें, खरीदारी की सलाह है 5,050 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो तेजी कच्चे तेल में देख रहे हैं वो बरकरार रहेगी, लेकिन साथ ही देखिए अगर मैं सोने की बात करूँ अनुज, तो एक तरफ फंडामेंटल रुपए की कमजोरी है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने को सपोर्ट मिलना चाहिए, कीमतें ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा है। क्या लगता है आपको इसके पीछे, क्या डॉलर की मजबूती एक अहम वजह है जो सोने की तेजी को रोक रही है? देखिए बिल्कुल, डॉलर अगर हम देखें, डॉलर इंडेक्स करीबन $95 के अराउंड आ गया है, तो एक डॉलर की तेजी की वजह से गोल्ड के भाव कॉमेक्स में नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। मगर हम अगर एमसीएफ की बात करें तो हमें लगता है कि जो रुपए की डेप्रिसिएशन है, जो गिरावट है, वो यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ में क्रूड में जो तेजी आई है उसका असर भी गोल्ड में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में इन स्तरों पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, ये जो लेवल्स हैं काफी लोअर लेवल है और टेक्निकल चार्ट पर भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 30,750 तक देखने को मिल सकता है, और कॉमेक्स में भी करीबन $1,260 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो खरीदारी की रणनीति आप सोने में भी सुझा रहे हैं, 30,780 का टारगेट होना चाहिए, लेकिन बेस मेटल्स का भी जिक्र यहाँ पे करना होगा, खासतौर से जिंक में। अब यहाँ पे आपको लगता है कि जिंक की कीमतें और भी लो जा सकती हैं? देखिए बिल्कुल, आज हमने डे में देखा था करीबन ₹204 के आसपास का हाई बना के मार्केट वहां से ₹200 के आसपास आ गई है। इट मीन कि जो सेल ऑन राइस की मार्केट है ऊपर के स्तर पर लेवल टिक नहीं पा रहे हैं, और जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से सभी बेस मेटल्स में गिरावट का रुख रहा है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि जिंक के भाव नीचे अगेन 198-197 तक देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जिंक की कीमतों में भी हम कमजोरी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए अनुज। आगे बढ़ते हैं और झटपट आपको बताते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजी जो जानकार लेकर आए हैं। हिमेन कपाड़िया, खरीदारी की सलाह दे रहे 10,550 का स्टॉप लॉस 10,640 के टारगेट के साथ। श्रीकांत चौहान, खरीदारी की सलाह लेकर आए हैं 10,500 का स्टॉप लॉस होगा और 10,700 का टारगेट इनके मुताबिक आपको लगाना चाहिए। प्रदीप होचंदानी, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 10,550 का स्टॉप लॉस 10,650 के टारगेट के लिए। टेक्निकल चार्ट पे अजय पुरोहित यहाँ पे रिवी स्लैब में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और 1,035 स्टॉप लॉस 960 से लेकर 940 के टारगेट के लिए। डेरिवेटिव में जटक्कर लेकर आए हैं ल्यूपिन, खरीदारी की सलाह है 888 का स्टॉप लॉस होगा और 925 का टारगेट होगा। तो ये जानकारों की राय है, लेकिन फिलहाल वक्त है थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की वैल्यू पिक और साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब। वक्त हो गया है वैल्यू पिक का और सिद्धार्थ सदानी हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। सिद्धार्थ, बताएं आपने वैल्यू पिक के तौर पर किसको चुना है? गिरता रुपया देखते हुए हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा आपको टेक्नोलॉजी शेयरों से होगा, आईटी क्षेत्र से। हमारा वैल्यू पिक होगा परसिस्टेंट सिस्टम। 960 के टारगेट से आप परसिस्टेंट सिस्टम पे बाइंग करें। आपको टाइम होराइजन रखना पड़ेगा 8 से 12 महीने का। बड़ी कंपनी, 6,000 करोड़ की कंपनी और 22% का अपसाइड, परसिस्टेंट सिस्टम 960 के टारगेट से। ऑल राइट, झटपट अब सवालों के जवाब देते हैं। पुणे से अब है शारे का सवाल, केया इंडस्ट्रीज पे है, 9914 की बाइंग प्राइस है। सिद्धार्थ, इस पे बने रहे, इनफैक्ट आप नीचे के स्तर पे आप बाइंग भी कर सकते हैं। रिटेल सेगमेंट में ग्रो हो रही है और 19-20% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 527 के टारगेट से आप बने रहे।
अहमदाबाद से राहुल जैन का सवाल रेमिट पे है और 1005 इनकी बाइंग प्राइस है। 1280 के टारगेट से आप बने रहे, लैंड बैंक की स्टोरी तो अब चालू हुई है और जिस हिसाब से ब्रांड वैल्यू है रेमिट का, यहां से काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। 6 से 12 महीने का समय रखे, 1280 का टारगेट। बीकानेर से हर्षद का सवाल इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पे है और 655 जो है इनकी बाइंग प्राइस है, अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, क्या बुक कर लें? देखिए हम मानते हैं कि अभी इस पे थोड़ा बहुत बुक कर ले, पर थोड़ा बहुत 50% जैसा रहने भी दे, कंपनी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। डाईकास्टिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी है, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, बने रह सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। नवी मुंबई से गुरमीत का सवाल इंडोको रेमेडीज पर है, 245.97 इनकी बाइंग प्राइस है। सिद्धार्थ घाटे में चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन क्या इन्हें और समय देना चाहिए स्टॉक को? बिल्कुल देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे अब रेवेन्यू और अर्निंग्स आ रही है, थोड़ा स्लो है बट बन जाएगा, 3 से 6 महीना रुक जाइए। ऑलराइट, शो को समाप्त करने का समय हो गया है। सिद्धार्थ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? पर्सनल होल्डिंग कोई भी स्टॉक्स में नहीं है जिस पे आज डिस्कशन किए, क्लाइंट्स या ऑर्गेनाइजेशन को जरूर रेकमेंड किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद समय निकाल कर राय दर्शकों को देने के लिए, और कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आप रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।